अंधेरे ने हर ओर अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। ठंड की शुरुआती मौसम थी, लेकिन ठंड पोस की रात की जैसी लग रही थी, जैसे कि दिसंबर का रात हो। तालाब में खेतों के बीच जिसके वजह से दूर तक कोई नहीं था। उस अंधेरे में सात बस मेरे मेढक थे, जो लगातार टर टर की आवाज किए जा रहे थे। जिस तरह चकोर चांद को रात भर देखता रहता है, उसी तरह मैं भी तालाब के किनारे बैठकर चांद की प्रतिबिंब को देखे जा रहा था और ये विचार रहा था कि इस उम्र में जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपनी बाजुओं में इतनी शक्ति समेटे हुए हूँ कि चांद को भी जमीन पे लाकर रख दूँ, तब भी मेरे पिताजी को मेरा प्रेम करना गलत लगता है। आज सुबह ही मेरी ग्रेजुएशन की रिजल्ट आई है और गाँव में सबसे अधिक अंक मेरे थे। पिताजी को बताया, वह खुश हो गए। मैंने मौका देखकर अपने प्रेम की बात माँ से की। कुछ देर में यह बात पिताजी को पता चल गई। मुझे मालूम था कि पिताजी को माँ बता ही देगी। अब बस मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। पिताजी ने मुझे बुलाया और पहले समझाया कि मैं उस लड़की को भूल जाऊं जिसे मैं प्रेम करता हूं। यह सिर्फ मेरा नहीं, मेरे प्रेम का भी अपमान था और मैं तिलमिला गया। और साथ साथ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से, और घर से निकलने लगा। और जाते जाते वक्त मैंने आवाज लगाई, माँ मैं जा रहा हूँ और अब कभी नहीं लौटूंगा। यह बात पिताजी से कहने की मेरी हिम्मत तब भी नहीं थी। शाम में मैं अपनी प्रेमिका से भी मिला। उसे जब यह बात मालूम हुई तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और चेहरे पर दुख और चिंता के भाव थे। इन सब का कारण मैं ही हूं ना, उसने दबी स्वरों में मुझसे पूछा। और मैंने उसे हृदय से लगाया और समझाया कि यह सब समय की मांग है। भावुकता में हम दो प्रेमी एक दूसरे से अपने प्रेम को बनाए रखने की हजारों कस्में भी खाई और फिर वह चली गई। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और रात कट नहीं रही थी। मेरे पिताजी अब बिस्तर पर लेट चुके होंगे, माँ खाने के बर्तन धोकर कोयले के चूल्हे की आज पलट रही होगी। जब कोयला का चूल्हा होता है तो रात में कोयले के चूल्हे को उल्टा कर दिया जाता है ताकि राख जमीन पे गिर जाए और आग बंद हो जाए। तो कोयले के चूल्हे की आज पलट रही होगी। और जिस माँ की आंखों में मैं चार पल ओझल हो जाता था, तब उनकी पीड़ा की कोई थाह नहीं होती थी, आज वो मौन क्यों है? समय के साथ माँ का भी प्रेम कम हो जाता है क्या, या आज पति पुत्र से ज्यादा प्रिय है? आज जीवन के इस मोड़ पे मुझे जो सबसे अधिक प्रेम करती है वो मेरी प्रेमिका है। उसका मेरी हर बातों को समझना और साथ देना इस बात का प्रमाण है। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। उसकी आंखों को आंसू के नींद उसकी आंखों के आंसू को नींद भेद भी पाई होगी या नहीं। उसे भी यह रात जरूर बहुत लंबी लग रही होगी। यह सोच मेरा मन व्याकुल हो गया और मैं उससे मिलने का मन बना लिया। उसका घर बस्ती के आखिर में था, तालाब से ज्यादा दूर नहीं था। जब मैं चल रहा था तो मेरी कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी, और जो कि आधे रात में अंधेरे सन्नाटे में सिर्फ मेरे होने का प्रमाण था। दूर से ही जब मैंने उसकी खिड़की से लालटेन की रोशनी आते हुए देखी, तब उस संघर्षपूर्ण मोड़ पर मेरा हृदय उन्माद से भर गया। मैं उसकी खिड़की तक पहुंचा और वहां गले तक चादर लिए खाट पर लेटी हुई थी वह। मैंने दो बार उसे पुकारा भी, पर शायद गहरे नींद में थी। उसके खाट के नीचे रखे जूठे थाल से मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि वो खा चुकी होगी। और चींटियां जो उसके थाली से कुछ लेकर खिड़की से बाहर जा रही थी, वो यह भी बता रही थी कि खाने में आज बूंदी के लड्डू हैं। जब गांव में खाना होता है और आपको लड्डू या मिठाई मिलती है तो वो होता है कि पार्टी चल रही है, कुछ पैसा, यहाँ तो आप पिज्जा मंगा लेते हैं। उस वक्त मैं इस दुविधा में था कि मुझे खुश होना चाहिए कि उसने खाना खा लिया है और सो रही है, या दुखी होना चाहिए कि जिस पीड़ा में मैं उसे अपना सहभागी समझ रहा था वो मेरी पीड़ा समझ ही नहीं सकी। यह देखने के बाद मैं दुखी था और फिर अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था और अपने घर की ओर घर का दृश्य देखने की उत्सुकता जागी। खेतों को छोड़ मैं सड़क पर आ गया, मगर चाल धीमी थी क्योंकि मैं थक गया था अकेले चलते चलते। अब महसूस हो गया था कि शायद मैं गलत था। मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही दुनिया चला सकता हूँ, पर आज जब अकेले हूँ तब ये दुनिया थमते हुए दिख रही है। घर पहुंचते 3 बज गए थे, घर का दरवाजा खुला था। यह देखकर मैंने अपने चप्पल दूर खोल लिए ताकि आवाज न हो, मगर इस बार किसी के जगे होने की उम्मीद न थी मेरे मन में। घर के आंगन में माँ सिर पर हाथ रखकर दीवार से लगे हुए बैठी थी, पर उनकी आंखें बंद थी। आंसुओं ने अपने पश्चिम माँ के गाल पर एक रास्ता बना चुकी थी
और सामने खाने से भरी हुई तीन थालियां थी। पिताजी पास के खाट पर लेटे हुए थे, पर शरीर पर चादर ना था और कोयले के चूल्हे में अब तक धुआं निकल रहा था, क्योंकि कोयले के चूल्हे में जो धुआं निकल रहा था इसका मतलब है कि वो आज पलटी नहीं गई है। यह सब देखकर मेरी आंखें भर आई और शायद कंठ से नहीं मैं हृदय से बोल पड़ा कि माँ मैं लौट आया।